Hello guys, welcome back to my YouTube channel Lovely in Cycle. If you are new to my channel, then subscribe to my channel, share, comment and like. So today I'm just going to recreate inspired makeup look of Shehnaz Gill. She's so beautiful. She's my current favorite in Bigg Boss, so I thought to create her. Get started. So I'm starting with the Johnson's baby cream क्योंकि मैं यही लगाने लग गई हूँ आजकल एज अ प्राइमर क्योंकि बहुत ज़्यादा जैसे मॉइस्चराइज कर देता है आपके फेस को और सारे पोर्स भी अच्छे से क्लोज हो जाते हैं. सो आई एम गोइंग टू यूज़ जॉनसन्स बेबी क्रीम. तो मैं अपने पूरे फेस पे लगा लूँगी ताकि मेरा फाउंडेशन बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस लगे. तो एज यू कैन सी मैंने लगा लिया है जॉनसन्स बेबी क्रीम. अब लगाएंगे हम फिट मी फाउंडेशन इन द शेड 230. ये बहुत ज़्यादा अच्छा फाउंडेशन है एंड या मैं थोड़ा सा डॉट डॉट करके नेचुरल मेरा शेड है इसमें नेचुरल बर्फ मैं डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पे लगा लूँगी और फिर एक ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से उसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. सो मैं ये ले रही हूँ कलर एसेंस का ब्यूटी ब्लेंडर एंड फिर मैं से बहुत ही ज़्यादा अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर है गाइस और इसकी मदद से मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ. एकदम नेचुरल फिनिश देता है ये फाउंडेशन आपको. सो या अगर आपका शेड मेरी तरफ फेयर है देन यू कैन गो विद अ 230 बर्फ. बहुत डिफरेंट डिफरेंट शेड्स आते हैं इसमें. सो इसे मैं अपनी पूरी लिड्स पे अप्लाई कर लूँगी और अंडर आइज के नीचे या सो एज यू कैन सी मैंने अच्छे से लगा लिया है. अब मैं लगाने वाली हूँ कंपैक्ट ताकि जो मेरा फाउंडेशन है वो सेट हो जाए. मेबलिन का फिट मी सुपर का कंपैक्ट है ये आता है 450 का समथिंग का. तो मैं अपने पूरे फेस पे लगा लूँगी ताकि एक इवन बेस हो जाए. आप कभी भी ये मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं आप बहुत प्यारे लगेंगे. इसके बाद मैं ले रही हूँ कंसीलर और अपनी अंडर आइज़ के नीचे लगा लूँगी ताकि मेरे सारे डार्क सर्कल्स हाइड हो जाए. ये बहुत अच्छा कंसीलर है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई ऑन माई अंडर आइज़ अंडर आइज़ और मैं अपनी लिड्स के ऊपर भी लगा लूँगी क्योंकि हमें यहाँ आई शेडो लगाना होता है और जहाँ जहाँ हमें हाईलाइट करने है अपने फेस के पास वहाँ वहाँ मैं लगा लूँगी. फिर अगेन मैं एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से जो मेरा पूरा फाउंडेशन है उसको ब्लेंड कर लूँगी. ब्लेंडिंग में टाइम देना क्योंकि ब्लेंडिंग अच्छा लगता है. ब्लेंडिंग कर लो ना बहुत इवन बेस लगता है केकी नहीं लगता आपका मेकअप. सो या ये बहुत इवनली ब्लेंड भी हो जाता है. अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप मेकअप से पहले कोई भी ऑयल लगा सकते हैं. ऐसे बहुत डिफरेंट डिफरेंट गुड वाइब्स के ऑयल आते हैं सो यू कैन गो विद दैट. आर्गन ऑयल बहुत सारे ऑयल्स आते हैं. अब मैं लगा रही हूँ कंपैक्ट ताकि जो मेरा फेस है जो मेरा पूरा कंसीलर लगाया ना मैंने वो भी एक जगह लॉक हो जाए सेट हो जाए. तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है मेकअप का. सो या वो बहुत ज़्यादा प्यारी है मुझको बड़ी प्यारी लगती है वो. सो मैंने सोचा उनका ही मेकअप लिख क्रिएट किया जाए. अब मैं अपनी आईब्रोज को फिल कर रही हूँ अपनी आईब्रोज ब्यूटी के आईब्रो फिलर से. सो मैं अपनी आईब्रोज को अच्छे से फिल कर लूँगी. आफ्टर दिस आई एम जस्ट गोइंग टू टेक वॉट आई एम जस्ट गोइंग टू टेक दिस पीच शेड एंड आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई टेक द ब्लेंडिंग ब्रश और मैं अपनी पूरी लिड्स पे अप्लाई कर लूँगी. ये बहुत अच्छा आई मेकअप है. यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस आई मेकअप लुक. ये बड़ा अच्छा सा इतना ईजी है ना क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ईजी है. सो मैं ये वाला शेड ले रही हूँ पीच शेड और इसे अपने पूरे जो है लिड्स पे अप्लाई कर लूँगी. ध्यान से अप्लाई करना है आपको. उसके बाद मैं क्या करूँगी उसके बाद मैं ले रही हूँ एक चंकी शिमरी शेड वो एकदम शिमरी शेड और उसे हाफ लिप्स पे अप्लाई कर लूँगी. जो शहनाज गिल का मेकअप है वो एकदम पीजी काइंड ऑफ मेकअप लुक है. सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू क्रिएट दिस. सो मैंने कर लिया है क्रिएट. नाउ आई एम गोइंग टू टेक मेबलिन क्लॉसल लाइनर. बहुत अच्छा लाइनर है. अगर आपको विंक लाइनर्स क्रिएट करने नहीं आते तो आप क्रिएट कर सकते हैं. मैंने ये काइंड ऑफ पिक्चर उनके जैसे आज ड्रेसअप नहीं करा क्योंकि ना एक्चुअली मेरे पास डेनम मुझको मिल नहीं रही थी. है मेरे पास डेनम लेकिन मुझको मिल नहीं रही थी. तो मैंने सोचा ऐसे ही मेकअप लुक क्रिएट कर लूँ इंस्पायर मेकअप समथिंग. और जो बैंड है वो बेस्ट फ्रेंड ने दिया था मुझको बड़ा पसंद है लेकिन वो एकदम मैचिंग नहीं हो रहा था. उनका पॉलका डॉट्स वाला है लेकिन फिर भी मुझको ये बहुत पसंद है. सो मैं इंस्पायर्ड मेकअप ही कर रही थी तो मैंने सोचा कोई बात नहीं. तो आपको पता है वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको पता है ना आपको क्या करना है. लाइक कर दो ना यार शेयर कर दो और सब्सक्राइब करे बिना तो जाना मत. तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना. अब मैं करूँगी कॉन्टोरिंग ताकि मेरा फेस पतला दिखे.
मैंने कॉन्टोरिंग कर ली है, मैंने अपना लाइनर भी लगा लिया, मैं ले रही हूँ बेबी लिप्स, आज ब्लश लगाऊंगी मैं। आप देखते हो बिग बॉस अगर, तो शनाज गिल बहुत ज़्यादा बिग बॉस बोल रही हूँ ब्लश लगाती है बहुत ही ज़्यादा। सो मुझको भी ब्लश मिल, ये मैं बेबी लिप्स ही लगा रही हूँ क्योंकि जो बेबी लिप्स है बहुत अच्छा काइंड ऑफ ब्लश का शेड दे देता है। सो मुझको एकदम वैसे ही शेड चाहिए था, तो मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसे ब्लेंड कर लूँगी। सो या मैं इस अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, होप आपको लुक अच्छा लग रहा हो। अब ले रही हूँ मैं मिस रोज़ का व्हाट, मैं ले रही हूँ मिस रोज़ का हाईलाइटर और अपनी पूरे ब्रिज ऑफ माई नोज़ को हाईलाइट करूँगी, ब्रो बोन को हाईलाइट करूँगी। एंड कैन यू सी आफ्टर हाईलाइटिंग कितना डिफरेंस आ जाता है। सो या मैंने इसे अच्छे से हाईलाइट कर लिया है एप्पल ऑफ द चिक्स के ऊपर, ब्रो बोन के ऊपर, ब्रिज ऑफ माई नोज़ पे, अच्छे 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 से कर लेंगे हम। इसके बाद मैं लगा रही हूँ हाइपर गर्ल मस्कारा, ये मैंने लैशेस मतलब पिक्चर में लगा रखी है क्योंकि मैं कोई ट्यूटोरियल बना रही थी हाउ टू अप्लाई लैशेस। सो या लेकिन मैंने लगाई नहीं, इस टाइम दिखाई नहीं थी लैशेस लगा के क्योंकि जो पिक्चर है शहनाज गिल की उसने नहीं लगा रखी लैशेज, सो आई एम नॉट गोइंग टू अप्लाई लैशेज। सो शी इज़ लिटरली प्रिटी, सो मैंने सोचा उनका भी मेकअप क्रिएट ही कर लूँ मैं भी। सोचा अब मैं नीचे भी लगा लूँगी, लोअर लैश लाइन पे भी लगा लूँगी। कैन यू सी कितना अच्छा हाईलाइटर है। अगर आपको मिस रोज़ के हाईलाइटर का रिव्यू चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ये मेरा फाइनल लुक था गाइज, कैन यू सी, उनके जैसी तो नहीं लग सकती मैं, बट या दिस इज़ अ इंस्पायर मेकअप लुक। होप आपको अच्छा लगा हो, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करे बिना जाना मत। तो या थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।